हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो HCF को लेकर के है। HCF जिसे हम GCD के भी नाम से जानते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब HCF की बात करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं LCM की। ठीक है, LCM क्या होता है? LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये होता क्या है और इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखना पहले से बता चुका हूं। चूंकि HCF की बात है तो कंफ्यूजन बहुत जगह क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए मैं HCF और LCM एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा। इससे भी पहले ये समझ लेते हैं कि LCM होता क्या है। देखिए, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि जो पहाड़े में आए, जो कि टेबल में आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं 2। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 2 और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं 4। ठीक है, यानी दो एग्जाम्पल हमने ले लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है 2 का और 4 का। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, इनका हमें LCM पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका टेबल लिखते हैं। तो टेबल ये मैंने लिख दिया है कुछ हद तक। ठीक है, अब करने के वाला हूं मैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 के पहाड़े में 2 आ रहा है। क्या 4 के भी पहाड़े में 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है? यस, आ रहा है। और 4 के पहाड़े में आ रहा है? 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आ रहा है तो क्या कॉमन है, और कॉमन है तो सबसे छोटा है कि नहीं है। अगर आप कहेंगे कि कैसे पता सबसे छोटा है, तो यहां पर देख सकते हैं अगर मैं 6 की बात करूं तो क्या 6 जो है 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। लेकिन क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। ठीक है, आप कहेंगे 8 तो आता है, तो 8 आता है, लेकिन 8 4 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन छोटा है क्या? क्या 4 से छोटा है 8? 4 तो 2 के भी टेबल में आ रहा है और 4 के भी टेबल में आ रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है, और छोटा भी है। आप देख सकते हैं सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से LCM क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 का LCM क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया LCM। ठीक है, अब समझते हैं HCF। ठीक है, तो HCF को समझने के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे GCDB के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे पता करें? तो इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, 2 और 4 का जो एग्जांपल लिया हमने। तो ये बताइए 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो यहां लिखा मैंने 2 को डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो वो है 1। ठीक है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 2। यही दो नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही दो नंबर 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये दो नंबर हमने यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब समझ में आ रही है बात। अब फिर देखिए यहां 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 को डिवाइड करने वाले पॉसिबल नंबर है 1 है, 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। दूसरा 2 है, ठीक है, 3 क्या डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 4 है, 4 डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 4 से ज्यादा तो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये हो गया, ये तीन नंबर ही 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तीन नंबर डिवाइड करेंगे तो हम ये कैसे जज करें कि HCF होगा क्या? तो ये बताइए इसमें कॉमन क्या है? 1 को छोड़ दीजिए, 1 को नहीं लेना है आपको। कॉमन क्या है? ठीक है, तो कॉमन आपको दिख रहा है 2, दैट्स व्हाई HCF क्या आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको इंप्लीमेंट करके देखना है हमें कोड विंडो पर। ठीक है, तो चलिए कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं। चलिए तब यहां से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहां पर हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां हेडर फाइल बना लेते हैं। तो हैश इंक्लूड ये आपको रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर मेन फंक्शन बनाइए और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहां पर नीचे कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए। ओके, इतना जब कर लेंगे तो फिर अब हमें यहां पर वेरिएबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेता हूं इंट टाइप का। ठीक है, इंट ही लिखा जाता है, इंटीजर पूरा नहीं लिखा जाता, ये तो आपको पता ही है। तो पहला वेरिएबल ए बना लिया, दूसरा वेरिएबल बी बना लिया, और तीसरा वेरिएबल चूंकि LCM का पहला प्रोग्राम है हमारा, तो ये हमने एल बना लिया। ठीक है, LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं, फिर GCD के ऊपर आते हैं। तो प्रिंट एफ लिखा हमने, फिर लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, चूंकि यूजर को स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा तो एंटर टू नंबर्स यहां आ जाएगा। अब यहां पे स्कैन अप लिखेंगे, चूंकि यूजर एंटर करेगा दैट्स वाई स्कैन अप लिख रहा हूं, वो परसेंट ई फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ठीक है, इंटीजर का, दैट्स वाई यहां परसेंट डी लिख रहा हूं। ठीक है, अब एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, यानी पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ ए में, दूसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ बी में जाके स्टोर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे लूप लगा लेता हूं, तो फॉर लूप लगा रहा हूं मैं, आप कोई भी लूप लगा सकते हैं, वाइल डूल कोई भी लगा लीजिए, मैं फॉर ही लगा लेता हूं। तो यहां लिखा फॉर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एल
इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, एल इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर ए आ जाए अदरवाइज बी आ जाए, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब इतना दे लेने के बाद यहां पे इसे टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के बाद फिर लिखता हूं एल इज लेस देन और इक्वल टू ए इंटू बी, यहां पर एल प्लस प्लस यानी एल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब फिर यहां पर इफ एल्स की कंडीशन दे देता हूं, तो लिखता हूं इफ, ठीक है, एल को मॉड्यूलो कराऊंगा ए से, ठीक है, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है, और यहां पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाता हूं, और फिर यहां पर एल को मॉड्यूलो कराऊंगा किससे, बी से, और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहां पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, तो यहां लगा दिया हमने ब्रेक, ठीक है, यहां पर ब्रेक यूज कर लिया हमने, और यहां पर इसे टर्मिनेट कर देंगे और फिर नीचे आएंगे। अब यहां पर प्रिंटएफ लिखता हूं, ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं प्रिंटएफ, और यहां पे लगाता हूं परसेंट डी इज द एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एल में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहां पे टर्मिनेट किया और यहां पर कर्ली ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। यहां पर अब करना क्या है हमें, यहां पर सीधा सीधा फाइल पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी सेव फाइल की, ठीक है, ये ओपन हो गई, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप एल सी सी एम डॉट सी ये कर देता हूं नाम, ओके। अब इस फाइल को बारी है कंपाइल करवाने की, तो यहां बिल्ड पे जाके कंपाइल पे करेंगे क्लिक, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब यहां से इसको रन करवा लेते हैं, तो ये रन भी हो गया। अब यहां पर कह रहा है एंटर टू नंबर्स, तो पहला नंबर एंटर करता हूं टू, दूसरा नंबर एंटर करता हूं फोर, तो इसका एलसीएम आ गया फोर, ठीक है। अब फिर इस प्रोग्राम को एक बार और रन करता हूं, ठीक है, तो यहां पर पहला नंबर एंटर करता हूं 6 और दूसरा नंबर एंटर करता हूं 2, तो एलसीएम आ गया 6। तो इस तरीके से एलसीएम का प्रोग्राम तो हमने बना लिया। अब बात कर लेते हैं जीसीडी की, ठीक है, तो या एचसीएफ की, ठीक है, तो अब यहां पर कैसे प्रोग्राम लिखना है, क्या लिखना है, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला काम की हेडर फाइल बनाना है, ठीक है, तो चलिए हेडर फाइल बना लेते हैं, लिख ली हेडर फाइल, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब यहां पर नीचे हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं मेन main, ये मेन फंक्शन बना लिया हमने। नीचे आएंगे, अब यहां पर आने के बाद int टाइप का data टाइप मैं ले लेता हूं, ठीक है, पहला वेरिएबल बनाया हमने a, दूसरा वेरिएबल b, तीसरा वेरिएबल बना लेता हूं एक लूप चलाने के लिए i, ठीक है, और चौथा वेरिएबल बना लेता हूं h यानी hcf, इसी में जाके स्टोर होगा, ठीक। ये वेरिएबल्स बना लेने के बाद यहां पे लिखता हूं printf, क्योंकि printf में ही वो चीज आएगी जो चीज हमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी, एंटर टू नंबर्स, तो यही हमें लिखना है यहां पे एंटर टू नंबर्स, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, क्लोज किया, टर्मिनेट किया। अब चूंकि यूजर एंटर करेगा दैट्स व्हाई स्कैनफ भी लिखना पड़ेगा, तो यहां पे लिखता हूं स्कैनफ, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं परसेंट डी, चूंकि इंटीजर लिया है तो परसेंट डी तो लिखना ही होगा, और यहां पे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, और कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ये लिख लेंगे, ठीक है, तो ये लिख लिया हमने और इसे टर्मिनेट किया तब, ठीक है। तो यहां पे पहले फॉर लूप लगा लेता हूं, फॉर लूप लगाया यहां पे और आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूं वन से, ठीक है, और आई इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या कर दूंगा ए, ठीक है, ए कर दिया हमने, और यहां पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, आई इज लेस देन इक्वल टू बी, टर्मिनेट किया, और यहां पर प्लस प्लस आई, ठीक है, पहले हमने इंक्रीमेंट किया, ध्यान दीजिएगा, आई प्लस प्लस नहीं किया है, प्लस प्लस आई किया है। अब एंटर करिए, नीचे आइए, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली हमने, और यहां पे इफ लगाता हूं, ठीक है, इफ लगाया, ए को मॉड्यूलो कराता हूं आई से, और रिजल्ट अगर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रयोग कर रहा हूं, बी को मॉड्यूलो कराता हूं आई से, और रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ऐसे कंडीशन में यहां पे लिखता हूं एच इज इक्वल टू आई, ये लिख दिया हमने, और यहां पे टर्मिनेट कर दिया, और ये जो कर्ली ब्रेसेस था उसको यहां पे क्लोज कर देता हूं। फिर यहां पे आता हूं और यहां पे अब इसको प्रिंट करवा देता हूं, तो यहां लिखता हूं प्रिंट एफ, और यहां पे क्या दे देंगे,
HCF, ठीक है, HCF परसेंट डी, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे और इसको सेव करता हूं और अब इसको कंपाइल करवा देता हूं यहां से। तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड हो गया, अब इसको रन करवाता हूं यहां से, तो ये रन भी हो जाएगा, रन हो गया प्रोग्राम हमारा। अब यहां पे लिखता हूं पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4, तो यहां पर HCF आ रहा है 2, ठीक है, क्लियर है। अब फिर अगर हम इसको फिर रन करवाते हैं तो यहां पे देखिए, यहां पे देता हूं मैं 4 और 8, ठीक है, तो यहां पे HCF आ रहा है 4। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि HCF का ये प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।